गाइस आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। एंड यार पिछले वाले कम्युनिटी पोस्ट में मैंने तुम लोग से बोला कि यार इस पे 510 लाइक करा दो, आप लोग ने तो उस पे यार 1.1 के लाइक करा दिए। एंड ऑल्सो पिछले वाले वीडियो में इतना ज्यादा सपोर्ट देख के ना भाई आंसू भर आ गए मेरी आंख में। सो हाय गाइस आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। एंड आज वाली वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूँ वन शेडर V4 का एक न्यू अपडेट, जो कि यार काफी कमाल का है, आप लोग को जरूर से ट्राई करना चाहिए। और अगर आप लोग के पास 3 से 4 GB रैम वाला फोन है ना, तो यार ये वाले वीडियो को स्किप करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ऑल्सो यार बी ऑनेस्ट, मैं अपने पुराने वीडियोज में बहुत ज्यादा क्लिकबेट किया करता था, लेकिन यार मैंने क्लिकबेट करना छोड़ दिया बहुत पहले से। यार थोड़ा बहुत क्लिकबेट हर बंदा करता है, लेकिन यार पूरा वीडियो क्लिकबेट हो तो ऑडियंस को मजा ही क्या आएगा। बट गाइस फाइनली स्टीव गेमर ने मुझे रिप्लाई दिया एंड मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप लोग को उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से जाके एक बार देखना भाई, मजा आ जाएगा कतई आप लोग को, एकदम अच्छी वाइब आने वाली है उसको देखने के बाद। मैंने हर एक फैक्टर को वहां पर समझाया अच्छे से, तो यार जाके देख लेना, ऊपर आई के बटन में भी लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आखिरी में एंड स्क्रीन में भी दे ही दूंगा। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग को इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए क्या। आप लोग को इसके लिए 3 GB रैम का फोन चाहिए, 3 GB 4 GB रैम में चल जाएगा। मैंने इसे खुद ने ट्राई किया, इवन रिकॉर्ड किया मैंने 3 GB 4 GB रैम फोन में। और अगर आप लोगों के पास कोई क्वाड कोर या फिर ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है ना, तो उस पर भी ये आराम से चल जाएगा भाई। फोन में तो यार ये अच्छा चला मुझे और बहुत अच्छा लगा, आप लोग एकदम BSL वाली वाइब देता है। तो यार वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहना एंड विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं मेरे चैनल स्मंकीसन 2.0, लेट्स बिगिन। तो यार इसे डाउनलोड करने के लिए बहुत सिंपल है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आप लोग को एक लिंक मिलेगी, आप लोग को उस लिंक पे क्लिक करना है, आप लोग सीधे मेरे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग को डाउनलोड करने में कोई भी और दूसरी दिक्कत आती है ना, तो आप लोग एक और वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, हाउ टू ओपन माई लिंक, जी हाँ वाली वीडियो देख लेना, आप लोग को आराम से ओपन करते बन जाएगा कि कैसे मेरी लिंक से डाउनलोड करना है। एंड देन उसके बाद आप लोग अपना फाइल मैनेजर या फिर जेड अचीवर एप्लीकेशन ओपन करना है, आप लोग को उसके बाद भाई वन क्लिक में आप लोग अपने माइनक्राफ्ट में उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उस पर MC पैक वाली फाइल दे रखी है। इंपोर्ट होने के बाद आपको माइनक्राफ्ट ओपन करना है और यहाँ पर आपको प्ले वाले बटन में क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्ल्ड करना है। आप इसे पुराने वर्ल्ड में भी चला सकते हैं, मैं यहाँ पर एक क्रिएटिव न्यू वर्ल्ड बना लेता हूँ। और आप लोग को रिसोर्सेस पैक में जाना है, माय पैक में आपको वन शेडर V4 अल्ट्रा मिलेगा, इसे आप लोग को सिंपली एक्टिवेट कर देना है, उसके बाद आपको क्रिएट करना है। एज यू कैन सी मैं अपने वर्ल्ड में आ चुका हूँ और आप लोग एक बार लाइटिंग की क्वालिटी देखो। एंड यार वाटर इतना अच्छा 4 GB रैम में कौन देता है, मतलब कि यार ये मैं अभी 4 GB रैम वाले फोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रियलमी नार्जो 30A है मेरा, इस पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, हाँ शायद ऑक्टा कोर प्रोसेसर है एंड 4 GB रैम है। आप लोग देख ही सकते हैं भाई, मतलब यार लैग थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन प्लेबल है, मतलब यार देखो 0 लैग तो नहीं हो सकता लेकिन यार प्लेबल है, मतलब ये 4 GB रैम वाले फोन में ट्राई कर रहा है मैं, और 8 GB रैम में भी नहीं कर रहा हूं मैं, बिकॉज मेरे पास 8 GB रैम है, तो मैंने बोला कि यार अगर 4 GB रैम वाला बोला है तो 4 GB रैम में ही टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा ना। आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है एंड आप लोग देख सकते हैं कि भाई शेडो कितनी सही बन रही है, मेरे को तो यार ये वाला शेडर बहुत अच्छा लगा है। और आप लोग ऊपर देख सकते हैं जो लेंस फ्लेयर आंख में आ रहा है ना, जो वो बहुत काफी औसम है, बहुत ज्यादा तेज है, और आप लोग को सन की जो किरणें है ना वो आंख में जो दिख रही है वो काफी औसम है भाई, पानी देखो एक बार कितना सही दिख रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, लिटरली मिडनाइट का समय देख रहे हो, कितना अच्छा दिख रहा है यार, मतलब इतनी अच्छी मिडनाइट भाई रियल में भी दिखती है। और भाई तारे तो यार और ओपी दिख रहे हैं, मतलब कि यार ये शेडर्स वाइब्रेंट से कंपेयर करने लायक दिख रहा है। एंड इसमें BSL का भी थोड़ा सा वाइब है, मतलब यार दोनों शेडर का एक कॉम्बिनेशन टाइप का आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर आप लोग टॉर्च लगाते हैं ना, तो टॉर्च जो लाइट फैलती है ना काफी औसम है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो यार वीडियो को लाइक करते जाना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, वी आर डेड क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर एंड 100K में यार फेस रिवील भी तो करना है ना। क्या बोला तूने? सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और यार वो रोस्ट वीडियो देखना मत भूलना।